विधायक महोदय जी आपको मिला है कि श्राद्ध पक्ष में लोग एक व्यक्ति को भोजन कराने के लिए अपने घर पे बुलाते हैं, पर मेरे बाबा ने कृपा कर इतने शिव भक्तों को आपके क्षेत्र में भेजा है। ये शिव उपासना का फल, ये शंकर की उपासना का फल। कहीं उसकी कृपा हुई है, कहीं उसकी दया हुई है, कहीं उसकी करुणा हुई। श्रवण करो, दिल से सुनो, क्या मिलता है शिव तत्व से, क्या प्राप्त होता है शंकर के विरल भक्ति से, क्या मिल सकता है शंकर के एक एक अंश मात्र आराधना करने से। मन की स्थिरता हमारे को शंकर के करीब में लेकर जाती है। शिव कहते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार ब्रह्मदेव के मन में भाव उत्पन्न हुआ और ब्रह्मा जी भगवान नारायण के पास में पहुंच गए। भगवान नारायण के पास जैसे ही ब्रह्मदेव पहुंचे और ब्रह्मा जी ने अपने मन की बात कहना प्रारंभ करा, ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा कि मैंने देखा, संसार सागर को देखा, इस संसार सागर में, इस मृत्यु सागर में, इस पृथ्वी के ऊपर मृत्यु लोक में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो दुखी नहीं। संसार में हर मानव दुखी है। और हमने कथा में पहले भी आप लोगों को कहा है और आज फिर कर रहे हैं, जितने लोग कथा सुन रहे हैं लाखों की संख्या में इस पंडाल में बैठकर, चाहे टीवी चैनल के माध्यम से, चाहे फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, जितने कथा श्रवण कर रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना, आपका दुख आपको स्वयं काटना। दुनिया का कोई महाराज, दुनिया का कोई बाबा, कोई जोगी, कोई महाराज, कोई तपस्वी, कोई साधक ऐसा नहीं मिलेगा जो आपके दुख को काट देगा। हमें छींक आएगी, हम छींकेंगे, हमें खांसी आएगी, हम खांसेंगे, हमको पेट दर्द होगा, टेबलेट हम खाएंगे, हमको सिर दर्द होगा, टेबलेट हम खाएंगे तो हमारा सिर दर्द बंद होगा। उसी तरह आपका दुख आपका है, इसको दुनिया का कोई महाराज नहीं काट सकता, आपको स्वयं काटना पड़ेगा और काटने के लिए आपको स्वयं शंकर की कथा में और शिवालय जाना पड़ेगा। कोई दूसरा काटने वाला नहीं है, तुम ये अंदाजे में मत रहना कि सियोर वाला महाराज हमारा दुख काट देगा। ना 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 ना, सियोर वाले महाराज का दुख तो स्वयं भोलेनाथ काटता है, तो तुम्हारा दुख भी भोलेनाथ ही काटेगा। संसार का कोई महाराज अगर छाती ठोक कर भी कह दे कि मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा दुख काट दूंगा, व्यर्थ की बात। कोई कह दे मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी तकलीफ मिटा दूंगा, व्यर्थ की बात। याद रखना, अपना दुख अपने को काटना है, अपना दुख अपने को समाप्त करना है। अपने को खांसी चलेगी, अपने को खांसना है, अपने को छींक आएगी, अपने को छींकना। छींक तुम्हें आ रही है और पड़ोसन को कोनी मार करके तो छींक दे, छींक दे, छींक दे, पड़ोसन छींकेगी। खांसी तुम्हें आ रही है और तुम मुंह खोलकर बढ़िया और खांसो मत, और बाजू वाले से क्यों खांस दे, खांस दे, खांस। सिर तुम्हारा दर्द हो और बाजू वाले को टेबलेट खिला दो, पेट तुम्हारा दुख है बाजू वाले को गोली खिला दो, ऐसा नहीं होता। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, घर का प्रत्येक जीव, घर का प्रत्येक मनुष्य, परिवार का एक एक व्यक्ति भगवान शंकर की भक्ति करे। तकलीफ हमारी है, हमें स्वयं मिटाना पड़ेगा, इसलिए एक लोटा जल लेकर देवाधिदेव महादेव के दरवाजे जाना पड़ेगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना, ये उसके ऊपर निर्भर करता है, वो संभाल। छत्रपति शिवाजी महाराज, हमने पहले भी कथा में कहा, वीर शिवाजी महाराज के हाथ में, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज के हाथ में माने अपने हाथों से तलवार पकड़ाई थी जीजाबाई ने। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज के हाथ में जीजाबाई ने अपने हाथों से तलवार पकड़ाई और छत्रपति वीर शिवाजी महाराज के हाथ में जब तलवार पकड़ाई और तलवार पकड़ा कर कह दिया वीर शिवाजी से, मैं तुझे आज ऐसा मंत्र दे रही हूं जिस मंत्र से तू हमेशा विजय ही प्राप्त करेगा। छत्रपति वीर शिवाजी का वो मंत्र आज भी सारी दुनिया में गुंजायमान है, हर हर महा। छत्रपति वीर शिवाजी के हाथ में जीजाबाई ने तलवार दे दी, छत्रपति वीर शिवाजी के हाथ में जीजाबाई ने अपनी तलवार दी और तलवार देकर कह दिया था। हमने प्रथम कथा में, नांदेड़ की कथा में भी कहा था
कि जीजाबाई ने सामने के किले पर दुश्मनों का झंडा देखा और दुश्मनों का झंडा देखकर जीजाबाई ने कह दिया था, ये झंडा मुझे सुहा नहीं रहा। ए शिवाजी, ये झंडा मुझे सुहा नहीं रहा। वीर शिवाजी ने कह दिया था, मां उनके पास सेना बहुत है। जीजाबाई ने कह दिया, सेना अलग बात है और बल अलग बात है। शिवाजी, कल ये झंडा तू उतारेगा कि तेरी मां जीजाबाई उस झंडे को उतारने के लिए जाए। वीर शिवाजी तुरंत कह दिया, मां अब तुझे जाने की जरूरत नहीं है, तेरा बेटा शिवाजी जाएगा और झंडा उतार कर आ जाए। तेरा बेटा जाएगा, तू क्या चिंता करती है मां? अपने भीतर बल उत्पन्न करिए। अपने भीतर का बल जब हम उत्पन्न करेंगे, अपने भीतर अगर बल को प्रबल करेंगे तो आपरूप हमारी विजेता है। अपने भीतर के बल से हम आपरूप आगे बढ़ सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, एग्जाम का टाइम है और घर के लोग उसका विल पावर कमजोर कर देते, तेरे बस का नहीं है, तू पढ़ नहीं सकता, तेरे को अंग्रेजी नहीं आएगी, तेरे को साइंस नहीं आएगी, तेरे को फिजिक्स नहीं आएगा, तेरे को ये नहीं आएगा, तेरे को वो नहीं आएगा। उस बच्चे के पीछे पड़े रहेंगे, उस बच्चे का विल पावर कमजोर कर देंगे, मन कमजोर कर देंगे और कह देंगे कि बच्चा पढ़ नहीं रहा, क्योंकि हमने उस बच्चे का विल पावर कमजोर करा। हमने कहा तू साइंस नहीं ले, तू फिजिक्स मत ले, तू ये मत कर, तू मैथ मत ले, तू ये मत कर, तू वो मत कर। हमने बच्चे को रोक दिया, हमने बच्चे को खींच लिया, उसको उड़ने दो, उसको करने दो। अपनी मेहनत जब वो बच्चा करेगा, अपनी मेहनत से जब वो आगे बढ़ेगा, तो ये निश्चित है कि कुछ ना कुछ कर दिखाए। मेहनत के साथ आगे बढ़ने दो उसको। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हद तो छड़ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा और देखते से कह दिया, मृत्यु लोक में प्रभु बहुत दुख है, संसार सागर में बाबा बहुत दुख है। मृत्यु लोक माना दुख है। भगवान नारायण देखकर मुस्कुरा दिए। भगवान नारायण ने देखा, तुरंत ब्रह्मा जी के शब्द को सुना। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, पृथ्वी पर बहुत दुख है, पृथ्वी पर कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई दहन बिन रहत उदास, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन बिना उदास है, संसार में सब दुखी है। दुख है, पर कितना सुंदर कहा है कि अगर रास्ता किसी पथ पर अगर आप चल रहे हैं तो रास्ता जरूर मिलेगा, किसी पथ पर आप आगे बढ़ रहे हैं तो मंजिल जरूर मिलेगी, अगर आप चलेंगे ही नहीं तो ना तो मंजिल मिलेगी ना रास्ता। चलो तो आगे बढ़ो, तो जब हम चल ही नहीं रहे तो ना मंजिल मिल रही ना रास्ता मिल। थोड़ा चलो, थोड़ा आगे बढ़ो। शिव तत्व को पाने के लिए, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को पाने के लिए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। भगवान शंकर की विरल भक्ति को पाने के लिए हमें अग्रण्य होना पड़ेगा। मिलेगा रास्ता, मंजिल आएगी, नजदीक पहुंचो। और ये विश्वास मानकर चलना, जितने लोग कथा के पंडाल में बैठे हो, चिंता मत करना, चिंतन करना। जितनी देर कथा के पंडाल में बैठो उतनी देर बैठकर श्री शिवाय जम के बोलो, जरा श्री शिवाय।
नमस्तुभ्यम का जाप करो, फ्री टाइम मिले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो, कथा श्रवण का टाइम हो कथा सुनो, जब समय जैसा मिल जाए वैसे भगवत भजन में लगे, जैसा समय।